अस्सलामुअलैकुम। तो जी वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो सबसे पहले जी ईद मुबारक आप सबको, बहुत बहुत सारा बहुत बहुत सारी ईद मुबारक आप सबको। खैर हम लोग तैयार शैर हो गए, और हुआ ये है कि आपकी बहन रात को सो नहीं रही थी और मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, तो फिर मेरे से सुबह नहीं उठा गया और मैं नमाज रह गई मेरी ईद की। लेकिन मैं सुबह फजर पढ़ ली थी, फजर पढ़ गया मैं सो गई थी। मैंने अल्लाह को कहा अल्लाह सो रही है, मैंने फजर पढ़ लिया, ईद की नमाज़ की मुझे माफ़ी दे देना इस दफ़ा। खैर अब हम तैयार शैर हो गए। इसके साथ एक ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था, वो मेरे से संभाला नहीं जा रहा था। मैंने कहा यहाँ तो मैं, यहाँ फिलहाल खैर तो संभल तो मैं भी नहीं थी। खैर यहाँ मैंने कहा यहाँ तो मैं ऑर्गेन्जा का दुपट्टा संभाल सकती हूँ या मैं खुद को संभाल सकती हूँ। तो मैंने कहा पहला फ़ैसला मेरा यही था कि मैं खुद को संभालूँ। तो बाकी अब मैं और तैयबा सिर्फ तैयार है, बाकी सारा घर सो रहा है। मामा भी उठी नहीं है, लेकिन मामा भी तैयार नहीं है। बाकी मामा शायद शीर खुरमा नहीं क्या बना रही थी, रसमलाई, वो जाके देखते हैं। और बाकी घर वालों को उठाते हैं कि उठना है कि नहीं उठना, ईद मनानी है कि नहीं मनानी है। की तैयारियाँ शरियाँ हो रही हैं रसमलाई की। ओ वाह, बना लिया उसका मिक्सर आपने? क्या शेयर है ये दूध में, मतलब उसकी गोलियाँ बनानी है, दूध में डाल देनी है। मिस डॉर सी नहीं है तो बोल रहे हमारी ईद पूरी करने आ गए हैं लोग, लेट आ जाती हैं। हमारे बगैर आपकी ईद भी नहीं होती, आपकी नहीं होती, आपकी नहीं होती। कई लोग फोन कर करके बुलाते हैं, आज तस्वीरों के लिए मिलने के लिए बुलाती है। तस्वीरें उतरवानी हो तो मुझसे जरूर जरूर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर नंबर तू तेरे भाई ताकि तू जाए दुनिया से मुझे निकाल दे, ठीक है? मार्च पे सेंड कर दे मुझे वो। नहीं पैसे आएंगे फिर कुछ नहीं कहेंगे। शेख जू है। चलो भाई ये हो गया, अब सेमियाँ शेमियाँ मामा रख के चली गई। हालांकि असूलन तोड़ रही है, नानो बनाती हैं लेकिन नानो सो रही हैं। ऊपर से पाए का पता नहीं सुहेल भाई भी क्या लेके आए। ओ पाए तो तैयार है, मिस दो स्नान आने वाली और लस्सी बनाने वाली, सारा कुछ डन है। और ये सेवियाँ बन जाएंगी, साथ मामा ने रसमलाई बना ली है, मीठा सारा कुछ हो गया। अब बस चाह के हम लोग तस्वीरें ले लेंगे। दोनों अच्छा ठीक है। और एक इस तरह लोटा लेके बैठी, मुझे पूरा नहीं दिखा रही इसने मुझसे बनवाना, ठीक है? अबे देखो ऐसी शक्ल भी, ऐसी शक्ल क्यों नहीं चाहिए बाजी, एडी तू आई। दो बज रहे हैं और अब मेरा नाश्ता मिल रहा है सीढ़ी पाँव का, अब नसीब हो रहा है। मैं लस्सी बनवाई है, नान खा लो सादा। नहीं प्यारी मम्मा, सादा नान का टुकड़ा दे उसको, वो खा लेते हैं। ऐसा करो, हाँ फिर क्या डिसाइड हुआ है दी का? पता नहीं तुम बताओगी। तुम बताओगी, मैं देखो तुम्हें मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, जो जो मैं खाना चाहती हूँ सारी चीजें। तो याद देखो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे सस्ते में ईदी निपटा रही हूँ, तुम्हें मैं सस्ते में पीछे कर रही हूँ। सस्ते में मेरी बात सुनो, ये सस्ते में ईदी नहीं है कि एक आइसक्रीम खिला दो रात को लार्ज पिज्जा खिला दो, ये सस्ती ईदी नहीं है। नहीं इतनी सस्ती ईदी है यार, ये तो भाई सस्ती ईदी है ना, है ना? बहुत सस्ती, मैं कहता हूं। हाँ ये सस्ती है, 2000 रुपए का टीका। तो तुम कमाने वाले हो यार, तुम ला के दे सकते हो, हम कमाने वाले नहीं है, तुम कमा सकते हो। मैंने कोई चीज उठा के मार दी तुम्हारे सर पे, समझ लगी तुम छोटे हो ना मैं बड़ी हूँ, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। मैं नहीं किसी। क्यों ने ने जो चलो फिर ठीक है, ईदी दे दो तुम्हें। हाँ तो सही है ना, तुम ये ज्यादा तो देख ना ये सही है, तू सस्ते में निकल जाएगा पागल। कैश दे दे फिर तू, ऐसा कर 1000 दोनों बहनों को दे दे। पिज्जे में आ रही है, चलो ठीक है, साथ आइसक्रीम पक्की है। कोक मैं अपने घर से निकाल लूंगी, कहीं ना कहीं से मुझे कोक मिल जाएगी। वो बच्चा वो इब्राहिम लेके घूम रहा है, बच्चे से छीन के खा लू मैं। सो गई है, हाय माँ सदके जाए। तैयबा को सारी ईद पे यही दुख रहा है, कांटा बन गया।
इतनी पारी लग रही है सोती नहीं। भाई चले गए वो? हाँ जी इधर से खोल भाई चले गए। पहली दी की वसूली हो गई है हमारी इस भूखे शेख से। अभी पिज्जा रहता है पुत्र, पिज्जे के बगैर माफी नहीं। चल भैया शेख की गाड़ी कल बट्टों की बारी होगी। कौन से बट्टों की बारी? हम तो बटनी है। हम तुम्हें आपको कीमे वाले चावल खिला रहे हैं बेटा, बड़े गोश्त का कीमा खिला रहे हैं हम तुम्हें। बड़ा गोश्त मैंने बड़ा खाया बेटा। नहीं देखो इस दफा हम तुम्हें रज के खिलाएंगे। वाह खाना तुम, रात को रायता सलाद बिरयानी बोतलें सारा कुछ ठीक है। तुम बस पिज्जा के बगैर घर में दाखिल होना। डाले आप हमें क्या बनाया आज आपने? छोलिया चावल? ये मैंने छोलिया मूर पुलाव। कितने चावल? छोलिया मूर कितने? बस थोड़े थोड़े बस। हाँ बस छोले लेंगे जो चाहिए। छोलिया मूर पुलाव क्या होता है? बस ये होता है। चलो खैर ट्राई करते हैं कैसे बने। वो जनाब साथ मीठी दो और उसके बगैर हो, मीठे के बगैर हो, ये कहाँ लिखा हुआ है? चीनी कम है इसके अंदर। टिक्का लग रहा है मुझको ये। तो जनाब हमारा यहाँ पे होता है ईद का पहला दिन ख़त्म। थकी हारी फुल थकी हुई हूँ। किया था ऐसा कुछ भी नहीं है, बोरियत से थक गई हूँ आज तो मैं। हाँ आए दिन रोज़ कोई ना कोई काम होते हैं और ईद के दिन कोई काम ही नहीं था, सारा कुछ मम्मा ने ही किया था। तो हम लोग बोरियत से मर मर के बहुत ज़्यादा थक गए हैं। खैर यहाँ पे होता है हमारा व्लॉग का एंड। उम्मीद है आप लोगों ने व्लॉग इन्जॉय किया होगा। इसी तरह आगे आने वाले मज़ीद व्लॉग के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो और मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लो। अल्लाह हाफिज़।